वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब। हमारे साथ इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां मौजूद हैं और इस सेट पर अब कोई वो कह लेना, बिल्कुल आपने बच्चियों को इजी नहीं लेना, लड़कियों को इजी नहीं लेना, कोई लड़का यहाँ पे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। हमारे पास पोजीशन होल्डर्स मौजूद हैं और तीनों ने ओवरऑल पंजाब में पोजीशन ली है प्री मेडिकल में, और इसके साथ साथ जनाब इन तीनों का ताल्लुक जो है पंजाब कॉलेज से है। और हमारे साथ मौजूद होंगी कशफ सनाउल्ला जिन्होंने पहली पोजीशन ली है, और इसके साथ साथ सजल तारिक होंगी जिन्होंने सेकंड पोजीशन ली है, और कशफ अली होंगी जिन्होंने थर्ड पोजीशन ली है। तीनों को वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसी हैं आप तीनों? बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो कशफ आपकी जानिब आएंगे, फर्स्ट पोजीशन मेडिकल में, और बहुत मेहनत की होगी राइट? कितनी काउंट तो नहीं कर सकते लेकिन बहुत किया हमने, यानि कि अपने यानि कि फैमिली के इवेंट्स भी बहुत छोड़े, लेकिन कुछ कुछ अटेंड भी किए हमने। बहुत की मेहनत, हमारी टीचर्स ने हमें गाइड किया कि आप जितना मेहनत करोगे उतना ही आप। तो मुझे ये बताओ कि अब प्लान था शुरू से ही मेडिकल पढ़ने का? जी, स्टार्टिंग से मेरे पापा भी मुझे कहते थे कि मैंने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है। अच्छा। और मेरे अंदर भी इनके पापा के इनके सुन सुन के था कि मैंने भी डॉक्टर ही बनना है इंशाल्लाह। स्टार्टिंग छोटे होते से मैं कहती थी मैंने डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए तो हमेशा शुरू से बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से। जी, तो कितना अभी जब पोजिशन आई है घर वाले कितना खुश थे? बहुत खुश हैं सब, इनके बहुत प्राउड फील कर रहे हैं मेरे ऊपर, और मुझे उससे डबल खुशी हो रही है कि मैंने सबको इतना प्राउड फील कराया। लवली, ठीक हो गया। आप भी, आपने सेकंड पोजीशन लिया सजल, तो आपसे जानना चाहेंगे आपको भी हमेशा से शौक था? मुझे तो जब मैंने नाइन्थ क्लास शुरू की थी, मतलब जब आपका वाकई किसी प्रोफेशन की तरह जाने का स्टार्ट होता है, तो तब से मेरा एम था, और मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि मैं मेडिकल की फील्ड में जाऊँ और डॉक्टर बनूँ, तो इस वजह से मैं उनका एम भी पूरा करना चाहती थी, और चूँकि वो चाहते थे तो यही मेरा एम भी बन गया, तो इस वजह से नाइन्थ क्लास से मेहनत चल रही थी। जबरदस्त। अच्छा, तो फैमिली बैकग्राउंड में कोई डॉक्टर्स नहीं ऑलरेडी? माय ब्रदर इज स्टडिंग इन किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज। ओके, और आपकी फैमिली में कोई अम्मा अब्बा बहन भाई कजिन कोई डॉक्टर है? कजिन्स में है, थोड़े डॉक्टर्स हैं। उनको देख कर भी मोटिवेशन होती थी कि नहीं वे ज्यादा अब्बा की ख्वाहिश में? जी, डन हो गया। आप बताएं जनाब, आपका क्या प्लान रहा हमेशा से मेडिकल की तरफ आने का? जी, मतलब बचपन से ही वो मुझे, बल्कि घर में कोई कहते डॉक्टर ही कहते हैं मुझे, डॉक्टर ही कहते हैं। वैसे लगती भी तुम डॉक्टर ही हो। हाँ बताओ। अच्छा, फिर घर में हमेशा से बचपन से ही कहा गया कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आपने डिसाइड कर लिया? बचपन से ही था। तो अच्छा, फ्यूचर में किस तरह का स्पेशलाइजेशन भी होती है डेफिनेटली? जी, बार एक ने सोचा होता है, क्या सोचा होता है? अभी एमकेट की प्रिपरेशन चल रही है ना हमारी, फिर उसके बाद हम टेस्ट देगा, फिर मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स होंगे, अब फिर हम तीनों ने एमबीबीएस करना है, फिर इंशाल्लाह आगे स्पेशलाइजेशन। लवली लवली लवली। अच्छा, हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, अक्सर बच्चियाँ कहती हैं कि अच्छा मैंने डॉक्टर बन जाना है, लेकिन अब अगर आगे हाउस जॉब करनी है, सारा कुछ करना है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो? क्योंकि अब मुझे तो लगता था, सॉरी बट जब मैट्रिक में आपको वो डिसेक्शन और फ्रॉग ये सारी चीज़ें आती थी, तो मैं तो उधर से भाग जाती। हमने भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में की, डर लगा, लेकिन बहुत पसंद है मुझे ये चीज़ें, कि इनके एज अ प्रोफेशन भी बहुत पसंद है। और वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप डॉक्टर हो, व्हाइट कोट मुझे बहुत अच्छा लगता है। व्हाइट कोट? जी, उसे देख के मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन होती है कि मैंने ये पहनना है, तो व्हाइट कोट। और उसके अलावा ये भी चाहती हैं कि सबका यही एम होता है कि हम डॉक्टर बने और ह्यूमैनिटी को सर्व करें। मेरे टीचर्स भी मुझसे यही कहते हैं कि आपने, यानी कि पैसे तो आते रहते हैं, आपने प्रोफेशन को अपने प्रोफेशन की तरह पूरा करना है, यानी कि अपनी ह्यूमैनिटी को सर्व करना है आपने, ना सिर्फ के पैसे के लिए कि आप डॉक्टर बनोगे पैसा आएगा, नथिंग एट ऑल। तो बस अपने यानी कि जो ह्यूमैनिटी है उसको सर्व करना चाहती हूँ। और इस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, आपको हर चीज के लिए बहुत ज्यादा नंबर्स, एक एक पॉइंट पॉइंट नंबर पे आपकी एक कह लेना हर चीज जान अटकी होती है, तो किस तरह से उस कंपटीशन को लेके चले? यानी कि क्लास में हर बच्ची हमारी की, यानी कि हमारे स्टैंडर्ड की थी, यानी कि कोई भी पोजीशन ले सकता था, हम बल्कि हम दूसरी बच्चियों के लिए सोचे थे इसकी आएगी मेरी नहीं आ सकती। अच्छा। हम एक दूसरे के लिए कर रहे होते थे कि मेरे से ज़्यादा लाइक है ये, ज़्यादा यानी कि इस काबिल है कि इसकी आए। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, उन्होंने जिसको नवाजना हो सबको। जबरदस्त। तो यही सवाल आप दोनों से भी, आपसे जानेंगे सजल, कंपटीशन की बात करें कि बहुत ज़्यादा होता है? कंपटीशन ज़्यादा तो होता है क्योंकि सभी मेहनत कर रहे होते हैं और सबका एम है, मतलब एक फील्ड है मेडिकल, तो सबका एम है कि वो भी यहाँ पर जाएं और डॉक्टर बने, इसका स्कोप भी है। लेकिन मेरा ख्याल है जब आप पढ़ रहे हो तो आपको एजुकेशन को इसलिए इस तरह लेना चाहिए कि आप कुछ सीख रहे हो। जब आप कॉम्पिटिशन में लेकर जाते हो तो फिर आप स्टडीज को उस तरह नहीं पढ़ पाते,
آپ سٹریس میں آ جاتے ہو. آپ کو ایجوکیشن کو آپ کو اپنی بک سے پیار کرنا چاہیے اور ان کو اس لیے پڑھنا چاہیے کہ آپ ان سے سیکھ رہے ہو. مطلب آپ کو کمپٹیشن کو اگنور کر دینا چاہیے. آپ کو پیاری پیاری باتیں آپ کو کس نے بتائی؟ خود سے آئیں یا اماں بنے؟ خود سے ہیں. خود سے آئیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ سے بھی یہ سوال میرا کہ کمپٹیشن کو کس طرح سے لے کر چلنا؟ میں نے شروع سے مطلب اس طرح نہیں سوچا کمپٹیشن, خود ہی مطلب بک سے پیار ہونا چاہیے بس یہی, اور باقی سارا اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہوا. اچھا پنجاب کالج میں پڑھائی کے حوالے سے مجھے لگتا ہے سب سے بہترین ایک آپ کو جگہ مل جاتی ہے کہ آپ ہر طرح سے آپ کو کیٹر بھی کر رہے ہیں, آپ کو اکیڈمیز کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, آپ کو پورا دن کالج میں اتنی اچھی ٹریننگ مل جاتی ہے, ایسا ہی ہے؟ یس بالکل ایسا ہی ہے. ان کے آپ پنجاب کالج کا ایک علیحدہ سے کیمپس ہے سپر ماڈل بچوں کے لیے, اسکالرشپ سیکشن ہے. ادھر ٹیچرس بہت اچھے ہیں, یعنی کہ وہ جس طرح وہ آپ کو پڑھاتے ہیں تو آپ کو بالکل بھی فیل نہیں ہوتا کہ آپ کو کسی اکیڈمی جانے کی ضرورت ہے. تو بہت زبردست ادھر پڑھائی ہے, یعنی کہ ہمیں ٹوٹلی پڑھائی پہ فوکس کرواتے ہیں اس کیمپس میں. اور کوئی بھی زیادہ چیز ہم پنجاب کالج کی بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اس میں دوسرے بچے جا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے کیمپس پڑھ ہی رہا ہوتا ہے, بس پڑھ رہا ہوتا ہے. تو کبھی کبھی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا شوق ہوا؟ شوق تو ہے, اور اسکول لیول پہ کافی مطلب ڈبیٹس اور اسپیچز ہوتی تھی, انہیں کافی دفعہ مطلب پارٹیسپیٹ بھی کیا, لیکن کالج میں آ کر صرف پڑھائی سے ڈاکٹر بننا ہے بھائی, ڈاکٹر بننا. کالج میں تو ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی ہے کہ کوئی ایسی کوئی ایکٹیویٹی چل رہی ہے. وہاں تو آپ کون سے کیمپس میں؟ کیمپس 3B. اچھا کیمپس 8 میں جو سپر ماڈل سیکشن ہوتے تھے وہاں پر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی بہت ہوتی ہے, ڈرامیٹک سوسائٹی بھی وہیں پہ آپ کی؟ جی وہ کیمپس 8 میں, اب وہ انہوں نے شفٹ کر لیا نا. اچھا ادھر بہت ہوتی ہیں کیمپس 8 میں, وہ مین کیمپس ہے نا, تو ادھر کے اسٹوڈینٹس کافی, پنجاب کالج کے کافی اسٹوڈینٹس اسپورٹس میں ہیں, ڈفرینٹ جن کے فیلڈ. ایگزیکٹلی, ڈرامیٹکس اور ان کی باقی ڈبیٹنگ سوسائٹیز بھی وہیں پہ. تو آپ کو نہیں شوق کر دیا؟ شوق تھا لیکن پڑھائی ٹائم نہیں ہے. صحیح بات ہے, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ایسے گزری ہے یعنی کہ آپ کے پاس پڑھنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہونا چاہیے, تو بس پڑھتے ہی رہے ہیں. ڈپریشن نہیں ہوتا مطلب؟ کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا پڑھائی میں, ہو جاتا ہے بہت زیادہ. کیسے مینج کرتے ہیں ڈپریشن؟ مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے ڈپریشن؟ تھوڑا سا یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دی پڑھائی, یعنی کہ تھوڑا سا یعنی کہ ادھر ماما لوگوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ تھوڑا سا بیٹھ گئے, لیکن پھر کتابوں کے پاس ہی جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو مجھے بتاؤ ٹائم مینج کیسے کرتے تھے, اپنا ٹائم ٹیبل کیسے سیٹ کیا ہوا تھا؟ ٹائم ٹیبل جن کے زیادہ اسٹڈنگ آورز ہی زیادہ تھے, سلیپنگ آورز بھی لاسٹ پہ آگے, اسٹارٹنگ میں ٹھیک تھے لیکن لاسٹ پہ آگے بہت کم کر دیے تھے. میری ماما مجھے بہت ڈانٹتی تھی کہ تم سوتی نہیں ہو, کھاتی نہیں ہو, یہ وغیرہ وغیرہ, پڑھتی رہتی ہو, کیا کرنا ہے تم نے اتنا پڑھ کے. تو میں ماما کو کہتی ہوں ماما مجھے پڑھ لینے دے بس, ان شاء اللہ ان کے پتہ چلے گا. تو شادی وغیرہ, کزن کی شادی کو نہیں, میں نے کافی اٹینڈ کیا, ساری اٹینڈ کرتی ہوں, کوئی ایک دو چھوڑی ہوگی اندر سے, ان کے زیادہ فیملی کے فنکشن میں نے سارے اٹینڈ کیے ہیں دونوں سال. تو اب ٹائم ٹیبل کی بات کریں, آپ دونوں سے ہم پوچھیں گے کس طرح سے پورے دن کا آغاز ہم جاننا چاہیں گے نا پڑھاکو بچوں کا, تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بتانا چاہیے ٹائم ٹیبل کیا ہوتا ہے. ایکچولی صبح تو ہمارا کالج تو بالکل ہی صبح اسٹارٹ ہو جاتا ہے مطلب باقی کالجز کے مقابلے میں. تو پہلے تو کالج جاؤ اور وہاں پر وہ سارا مطلب جو لیکچرز ہوتے تھے وہ پڑھو, اور اس کے بعد گھر آ کر پھر سے دوبارہ کھانا کھایا, نماز پڑھی, اور پھر سے دوبارہ وہی جو لیسنز انہوں نے دیے ہوئے. ایکچولی ہمارے ٹیسٹ بھی تقریباً ہر روز ہی ہوتے تھے, تو پہلے ٹیسٹ تیار کرنا اور پھر جو باقی لیکچرز ہوتے تھے ان کو یاد کرنا, تو وہی کرتے کرتے رات کا کافی ٹائم ہو جاتا تھا. صحیح, تو یہی پڑھائی. تو آپ نے بھی ایونٹس وغیرہ اٹینڈ کیے ہیں, چھوڑے ہی ہیں؟ نہیں میں نے, میرا نہیں خیال میں نے کوئی ایونٹ اٹینڈ کیا. آئی تھنک میری سسٹر کی انگیجمنٹ بھی تھی, میں تو اس میں بھی نہیں تھی گئی. کیوں؟ وہ میں صرف جب ایکچولی جب سیپریٹ تھی تو جب وہاں سے آئے تھے ہمارے گھر میں, تو تب میں نے صرف پارٹیسپیٹ کیا تھا, وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ کالج اسٹارٹ نہیں ہوا ہوا تھا ہمارا سیکنڈ ایئر میں. لیکن جب انہوں نے جانا تھا تو مجھے ماما نے کہا کہ جانا ہے, سسٹر ہے میں, لیکن پڑھائی تھی تو میں نے کہا نہیں پڑھنا, اس وجہ سے میں نہیں گئی. ٹھیک ہے. اچھا سجل کی ہم بات, سجل سے بات کریں. سجل کے ابا ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر. السلام علیکم جی. کیسے ہیں سر آپ کو؟ سب سے پہلے تو مبارک ہو, آپ کی بیٹی نے اتنی اچھی پوزیشن لی ہے. جی خیر مبارک, میں بہت خوش بھی ہوں اور بہت مہربانی آپ نے مجھے کال کیا, میں ادھر آیا ہوں. اچھا ہم سر جاننا چاہیں گے کیونکہ سجل ابھی ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ تو کوئی فیملی ایونٹس بھی اٹینڈ نہیں کرتی رہی, تو آپ کی خواہش کا بھی استقبال کیا, خود بھی اس کی خواہش تھی تو ڈاکٹر بنانا ہے, تو ماشاء اللہ اتنے اچھے نمبر لیے, کیا پلان ہے آپ کا, کہ آپ نے کیا اس کو اسپیشلائزیشن کروانی ہے, کس فیلڈ میں اس کو آگے بڑھانا ہے؟ جی ماشاء اللہ مجھے پہلے نمبر کے تو بہت خوشی ہے, یہ واقعی اس نے کوئی ایونٹ جو فیملی میں ہوتا رہا کوئی اٹینڈ نہیں کرتی رہی, ایون کہ اپنے ننڈیال میں بھی بہت کام جاتی رہی ہے,
और यही कहती रही है कि मैंने सिर्फ स्टडी करनी है, और जो स्टडी करनी है वो भी एक लेवल की करनी है, हाई लेवल की करनी है जी। और इस हवाले से जो स्पेशलाइजेशन है वो एक तो न्यूरो सर्जरी की है, दूसरे हार्ट सर्जरी की है। ठीक है, इन दोनों में से इंशाल्लाह करेगी मेरी बेटी। जबरदस्त जबरदस्त। तो सर ये आप वैसे ओवरऑल आपकी अटैचमेंट तो बेटियों के साथ वैसे भी वालिद की बहुत होती है, कितनी अटैच है ये आपके साथ ही? जी जब माशाल्लाह 11 सितंबर को पोजीशन आई तो मेरी बेटी ने दुनिया चैनल वालों को आपको इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि मेरे फादर ने मेरी बहुत सपोर्ट की है। बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि ये वाकई इसने बिल्कुल 100% रुख का है। मेरी तमाम तर जो ख्वाहिशात होती हैं वो बच्चों के लिए होती हैं, मैं अपनी भी कोई जो होती है आउट एक्टिविटीज मैं उसको भी खातर खा नहीं देता, सिर्फ बच्चों की जो पढ़ाई होती है उसी की तरह मेरी भी तवज्जो होती है, और इन्हीं की कामयाबी बच्चों की कामयाबी मेरी कामयाबी है। बेशक जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया कि आप लाइन पर मौजूद है। अल्लाह ताला आपकी बेटी को मजीद कामयाबियां अता करे। हमारे पास कशफ अली के जो हैं वो भी वाले साहब मौजूद है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? आपको मुबारक हो। खैर मुबारक। अली सकलन साहब हम बात करें तो कशफ की, तो ये भी माशाल्लाह इतनी पोजीशन अच्छी ली है इसने, तो ये आपकी ख्वाहिश पर इसने डॉक्टरी का सोचा कि इसने डॉक्टर बनना है या ये खुद भी चाहती थी? नहीं, हमारी ख्वाहिश भी है, और जब मैं पहले टीवी देखता होता था ना बच्चियों सब चाहती थी, मुझे बड़ा शौक था कि मैं कहता था कि मेरी बेटी भी है जो टॉप करे, और फिर उसने अब काफी अच्छे नंबर लिए हैं और मुझे बहुत खुशी हुई है इस बात की। तो अच्छा मुझे ये बताया कभी किसी और प्रोफेशन के बारे में नहीं सोचा कशफ आपने? हमेशा से डॉक्टर के बारे में। असल में मुझे सारे मतलब शुरू से कहते हैं डॉक्टर बनना डॉक्टर बनना। तो घर में कितने बहन भाई हो आप? 3 बहन 1 भाई। तो आप सबसे छोटी हो? नहीं, मैं दरमियान हूँ। दरमियान में। तो बड़े बहन भाई क्या करते हैं? बड़े भाई जो है वो गवर्नमेंट जॉब है। अच्छा। और उससे जो मुझसे बड़ी बहन है वो उनकी शादी हो गई। अच्छा अच्छा, तो मतलब अब्बा ने कहा कि कशफ को डॉक्टर ही बनाना है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो आपके घर पर क्या है कि बहन भाई दीगर स्टडीज करें या वो भी इसी तरह से मेडिकल? मेरे भाई हैं एक बड़े, वो उन्होंने अभी मेरे साथ ही ICS कंप्लीट किया। अच्छा। उनका भी रिजल्ट आया रिसेंटली। और एक छोटी सिस्टर है वो 9th में अभी स्टार्टिंग में, उसे सब कह रहे थे कि आपकी बहन ने टॉप किया, तो आप क्या कहते हैं इंशाल्लाह मैं भी करूँगी। उसके लिए भी तो टफ टाइम दे दिया था आपने। आप वो मेरे पापा कहते हैं कि नहीं ईमान उससे भी ज्यादा अच्छा करेगी। अच्छा। वो कहती है जी पापा जी मैं करूँगी। जबरदस्त जबरदस्त। तो कशफ सर के साथ साथ ये भी तो होता है समटाइम्स क्या आप किसी और प्रोफेशन के बारे में भी सोचते हैं कि अच्छा अगर मैं ये ना, खुदा ना खास्ता अगर होता है कि अगर मेरे मार्क्स आए कम तो डिसार्ट नहीं होना, या मैंने दोबारा से ट्राई करनी है, मैंने कोई प्रोफेशन कुछ ऐसा सोचा था? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये, हमारे टीचर ने हमें ये, इनके एक टीचर थे, उन्होंने कहा था कि अगर आपने डॉक्टर बनना है ना अपना एम सेट रखो, इधर उधर का सोचना भी नहीं है, आपने डॉक्टर ही बनना है। बिल्कुल, ये आपकी डिटर्मिनेशन है कि आपने डॉक्टर ही बनना है और आप बन के रहते हो, फिर इस तरह नहीं सोचना चलो अच्छा ये नहीं नंबर आएंगे चलो आप कुछ और बन जाओगे। लेकिन मेरे अंदर था कि अगर मैं ना कर सकी अल्लाह ना करे तो मैं यानी MBBS के बाद BDS है DPT है कुछ भी यानी इनमें से मैंने सोचा आपने लाइन यही रखनी है लेकिन उसको थोड़ा इंशाल्लाह डॉक्टर बनना है। मैंने उन सर से, उन सर हारून थे हमारे केमिस्ट्री के, अच्छा। उन्होंने ये बात मुझे कही थी तो मैंने तभी से सोचा हुआ था कि मैंने नहीं मैंने भी डॉक्टर बनना है, मैंने इधर उधर का नहीं सोचा। अच्छा, कोई सब्जेक्ट जो होता है वो कुछ मुश्किल भी होते हैं बल्कि काफी ज्यादा मुश्किल होते हैं, तो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट जिसको पढ़ते हुए होता हो कि अच्छा ये सब्जेक्ट क्यों है? डिफरेंट लेवल है। बायो तो मुझे बहुत पसंद है यानी कि मेडिकल के बच्चों को तो बायो पसंद होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं यानी कि इस तरह की चीजें पढूं जो अपने से रिलेटेड हों और यानी कि हमें पता चले। बायो को पढ़ के अल्लाह ताला पे बहुत यकीन आपका पूरा होता है कि वो कैसे कैसे, हम उसे पढ़ भी नहीं सकते, वो अल्लाह ताला ने सारा निज़ाम बनाया हुआ है, कोई भी नहीं कर सकता उसे। तो मुश्किल मुझे सब्जेक्ट लगता था ज्यादा, फिजिक्स भी इजी थी, केमिस्ट्री थोड़ी सी फर्स्ट ईयर की मुश्किल थी लेकिन सेकेंड ईयर में बहुत ज़बरदस्त हो गई थी। बकाया इस तरह एज इट इज़ मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं था जो मुझे लगता हो कि मुझे बहुत मुश्किल लगता है मैं कर नहीं सकती। ठीक, सब लेवल के थे, सब लेवल के। अच्छा जी, आपके भाई हमारे साथ लाइन पर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया, उसके साथ साथ आपको मुबारक हो कि इतने अच्छे नंबर लिए काशिफ ने।
हाँ जी खैर हमारी। तो आपके घर में सबसे ज्यादा अभी तक तो फिलहाल अच्छा जो ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है वो कश्यप का ही चल रहा है, क्या प्लान है, किस सब्जेक्ट में इसको स्पेशलाइजेशन आप लोगों ने करवानी है? घर में भी और ओवरऑल फैमिली मेंबर में भी इसी का चल रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा नंबर लिए हैं। तो किस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन का आपने सोचा है कि आप लोगों ने कश्यप को करवानी है? ये तो इसी को पता होगा कि अच्छा इस पे तो कोई वो फोर्स नहीं किया गया, ये अपनी मर्जी से जो चूज करना चाहे करे। हार्ट सर्जरी कह रही थी कि हार्ट सर्जरी में स्पेशलाइजेशन। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कॉल पर रहने का। ठीक हो गया। अच्छा जी, कोई मैसेज देना चाहे आप हमारे प्लेटफॉर्म से लोगों को और अपने पोजीशन के हवाले से, आपसे शुरू करेंगे काश? बिल्कुल, मैं स्टूडेंट्स को देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ज़रूर करें, जितनी आप रिस्पेक्ट करेंगे उतने आप कामयाब बनेंगे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और कभी भी मायूस नहीं होना था, अल्लाह ताला अपनी रहमत से कभी भी किसी को यानी कि मायूस नहीं करते, बिल्कुल पूरे डिटर्मिन रहे, अगर आपने कुछ सोचा है, आपने एम आपका है, आपने बनना है और उस पर डिटर्मिन रहे, पूरी मेहनत करें नेक नियती से और अल्लाह ताला ज़रूर नवाजते हैं। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, फुल मेहनत करें और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उनको करें, लेकिन इतना ना कि आपकी स्टडीज़ पीछे रह जाएं। अगर आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आपको डिटर्मिन रहना पड़ेगा, अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें और एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उन्हें कम यानी कि टाइम दें। ठीक है, एक्टिविटीज़ ज़रूरी होती हैं लेकिन स्टडीज़ पहले। ठीक हो गया, आपकी जानकारी। मैं तो अपने से जूनियर्स जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको यही कहूँगी कि आप जो भी बनना चाहते हैं और जो भी आपका एम है उसको अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें और उनको भी इस बात पर लेकर आएं कि वो आपको सपोर्ट करें उसके लिए, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को जो भी जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं उसमें उनको सपोर्ट करें, अपने लिए जो भी एम है, जो आपका ड्रीम है उसको सेट करें और अपने ड्रीम को सीरियसली लें और उसके लिए बाकी चीज़ें जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको इग्नोर भी करना पड़ रहा है तो उनको करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आपने मेहनत की होगी तो अल्लाह ताला आप उसको उसका रिवार्ड आपको ज़रूर देंगे, और सबसे बढ़कर ये कि आप हम्बल रहें और अल्लाह ताला ने आपको जो भी दिया उस पर उसका शुक्र अदा करें, और अगर कभी आप मेहनत भी करते हैं और आप थोड़ा सा पीछे भी रह जाते हैं तो फिर भी यही अल्लाह ताला की मसलहत है। ठीक हो गया, आपकी जानिब से क्या मैसेज देंगे? मेरी तरफ से यही होगा कि आप जिस भी फील्ड में जाएं वहाँ पे आप ईमानदारी से काम करें, सीरियसली जब आप मतलब दिल से करेंगे तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा इज्जत देंगे जहाँ पे भी आप जाएं, तो बस ईमानदारी से और हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र करें, मतलब अल्लाह ताला देंगे आपको, बस अल्लाह ताला पे यकीन रखें। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जनाब, और हमारे साथ इतनी जबरदस्त लाइक फाइक सी बच्चियां मौजूद थी। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर।